हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होने जा रही है और क्रिकेट फैंस में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पाई जा रही है, स्पेशली मेरे जैसे क्रिकेट फैंस। एज अ ट्रू पाकिस्तानी क्रिकेट फैन मेरे लिए इससे अच्छी खबर कोई हो ही नहीं सकती। यू नो, ग्रोइंग अप वॉचिंग पाकिस्तानी मैचेस, वसीम, वकार, शुएब अख्तर, सईद अनवर, और फिर यहाँ मैचेस होते थे और हम देखने जाते थे। लास्ट टाइम मुझे याद है 2007 में साउथ अफ्रीका आई थी और आई थिंक उस वक्त मैं 8th ग्रेड में था और उस वक्त हम मैच देखने गए थे। हैट्स ऑफ टू ऑल द प्लेयर्स, कोचेस, क्रिकेट ऑफिशियल्स, ICC ऑफिशियल्स हु सपोर्टेड पाकिस्तान इन डिफिकल्ट टाइम्स एंड गेव ह्यूज गिफ्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट फैंस। अगेंस्ट ऑल ऑड्स दे केम टू पाकिस्तान and they make this series happen. I love Fakhar Zaman, I love Hasan Ali, I love my captain Sarfaraz Ahmed, I love Imad Wasim and all the players jinhone Pakistan ko Champions Trophy jitwakar Pakistan ki international cricket mein ek value banayi aur hamari voice ko mazid impactful banaya. To abhi kuch hi der baad pehla T20 hone ja raha hai aur maine apni ticket le li hai aur dekhta hu ki main wahan aap logo mein se mujhe kaun kaun join karta hai. Obviously Karachi ke fans to nahi aa sakenge yaar, itni dur hai, lekin Lahore walon ke liye ek vital mauka hai ki sare khiladiyon ko welcome kare. Ye ek bahut hi Pakistan के लिए एक मुश्किल फेज था इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाना, क्योंकि पहले जिम्बाब्वे आती है, उसके बाद आप फिर आपकी सारी होप्स खत्म हो जाती हैं, उसके बाद PSL का फाइनल लाहौर में होता है और ऑब्वियसली उसमें ऐसे नाम नहीं थे कि बंदा खुश हो सकता पूरी तरीके से, लेकिन PSL के फाइनल ने वो राह हमवार की पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए। और अब इस वक्त पाकिस्तान में वो क्रिकेटर्स मौजूद हैं जो अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स में बहुत जबरदस्त प्लेयर माने जाते हैं और सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन में मौजूद हैं और पहला T20 खेलने के लिए तैयार हैं टोटली। और उसमें हाशिम आमला, फफ डु प्लेसिस, जॉर्ज बेली, डैरन सैमी, द लेजेंडरी डैरन सैमी, ग्रांट एलियट, बेन कटिंग, टिम पेन, इन सब के लिए मैसिव मैसिव रिस्पेक्ट। तमाम पाकिस्तानी फैंस की ख्वाहिश थी कि कोई इंडियन प्लेयर भी आता, लेकिन उनके BCCI ने उनको इजाजत नहीं दी। होपफुली फ्यूचर में कोई इंडिया के साथ हमारा पाकिस्तान में मैच हो जाए। अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट के ट्रू फैन हैं तब भी आपको इस खुशी का अंदाजा हो सकता है, क्योंकि जब आपका बचपन ही पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ गुजरता है और उसको देखते हुए और खिलाड़ियों की आप नकल करते हैं और आप उसी तरह ग्राउंड में परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, उनके एक्शन कॉपी करते हैं, और उसके बाद एक दिन कोई टेररिस्ट अटैक होता है और सारी क्रिकेट पाकिस्तान से छिन जाती है। और एक वो दौर आ गया था लिटरली कि जब हम कहते थे कि यार ये सारे पाकिस्तानी क्यों आ रहे हैं, पाकिस्तान को भी बाहर जाना चाहिए, पाकिस्तान को भी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में जाके खेलना चाहिए, ये क्या हर रोज पाकिस्तान आ जाते हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। और फिर ऐसा वो गए कि वो लौट के वापस ही नहीं आए। 8 साल हमसे क्रिकेट छीन गई। पाकिस्तान की क्रिकेट की वापसी की धूम इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है। सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है ट्वीट से, फेसबुक पोस्ट से, और सारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स, ICC इस वक्त सारे ट्वीट्स करने लगे हैं पाकिस्तान के इस टूर के बारे में। ICC की पोस्ट है, जॉर्ज बेली इज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम एंड होप्स यंग पाकिस्तानीज आर इंस्पायर्ड बाय देयर हीरोज। वसीम अकरम की वाइफ शनैरा अकरम क्या कहती हैं, हेडिंग टू लाहौर फॉर द एक्साइटिंग वर्ल्ड 11 एंड टू द इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पार्टिसिपेटिंग इन आवर इवेंट, a huge welcome to Pakistan. Waqar Yunus kehte hain ki en route to Lahore for Pakistan versus World 11, I am going to pick up from where I left more than 8 years ago. Join me tomorrow night and let's make history. Let's make history. Ramiz Aja kehte hain ki cricket is in the air, can smell it, feel it. पाकिस्तान, आर यू रेडी टू बाउंस एंड मेक सम नॉइज। ये कुछ फैंस की तस्वीरें, बहुत एक्साइटेड हुए हैं फैंस और बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम कर रहे हैं वर्ल्ड 11 को, और शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि जिस डिफिकल्ट टाइम में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और उन्होंने पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत बहुत एहसास किया और वो पाकिस्तान है। और जिस तरह फफ डु प्लेसिस ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इट्स मोर देन क्रिकेट, ये ट्रॉफी के साथ दोनों कैप्टन्स। उमर अकमल की भी ट्वीट आई, उन्होंने कहा कि वेलकम टू पाकिस्तान मेट्स, आई होप यू विल एंजॉय द हॉस्पिटैलिटी, थैंक यू PCB फॉर सच ग्रेट एफर्ट्स व्हेन यू रियलाइज दैट वर्ल्ड 11 हैज ऑलरेडी लैंडेड इन पाकिस्तान। डैरन सैमी ने भी ट्वीट की और कहते हैं कि थम्स अप, इट्स मोर देन जस्ट अ गेम। ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ग्रुप फोटो, अहमद शहजाद जो सेल्फी मास्टर, उन्होंने एक और जबरदस्त पिक्चर अपलोड की है। ये देखें जी, इमरान ताहिर इस वक्त फुली तैयार है अपनी गुगलियों के साथ पाकिस्तानी बैट्समैनों की किलियां फड़काने के लिए। देखते हैं फखर जमान को कैसे काउंटर करते हैं। ICC ने पोस्ट लगाई हुई थी कि दोनों कैप्टन सीरीज ट्रॉफी शो ऑफ कर रहे हैं। इंजमाम उल्लाह कहते हैं कि दिस इज जाइगेंटिक, दिस इज ह्यूज, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट फॉर द एंटायर क्रिकेट वर्ल्ड, आर यू रेडी टू विटनेस द हिस्ट्री। यस। डीन जोन्स जो PSL में बड़े जबरदस्त थ्रू आउट कॉमेंट्री
कंट्री करते रहे वो कहते हैं कि व्हाइल आई कैन नॉट बी इन टू प्लेसेस एट वंस आई होप द पाकिस्तान वर्सेस वर्ल्ड 11 टर्न्स आउट टू बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर ऑल कंसर्न्ड Enjoy the fun. Zainab Abbas, जो अपनी सेल्फियों की वजह से पाकिस्तान के ओपोनेंट्स को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देती हैं, वो क्या कहती हैं कि डिमांड फॉर वर्ल्ड 11 टिकट्स इज सुपर हाई एवरीवन ट्राइंग टू गेट अ होल्ड ऑफ अ टिकट एक्सपेक्ट पैक्ड स्टेडियम्स एलन विल्किंस, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत जबरदस्त कॉमेंटेटर है, वो कहते हैं कि वीजा इशू अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान वर्सेज वर्ल्ड 11, सो नो लाहौर दिस टाइम. Shit, यार. और इसमें मैं स्पेशल थैंक यू कहना चाहूँगा नजम सेठी का, जिनकी एफर्ट्स की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ऑलमोस्ट बहाल हो चुकी है. जहाँ पे सारी एक्साइटमेंट, फन और मजा चल रहा है, वहाँ पे एक थोड़ा सा एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा. कल लाहौर की सड़कों की इतनी बुरी हालत थी जिसे पता लगता है कि हमारी मैनेजमेंट लेवल कितने पथेटिक हो चुके हैं. हमारी ब्यूरोक्रेसी के पास सिर्फ एक हल होता है कि यार बंद कर दो सड़कें, बंद कर दो. आवाम कल सड़कों पर रुलती रही है सारा दिन क्योंकि जी ट्रैफिक प्लान बन रहा था. यार ठीक है, आपने सिक्योरिटी देनी है, लेकिन अब अपनी आवाम को तो इतना परेशान ना करो ना. इसके अलावा मैंने सुना कि लिबर्टी मार्केट में मार्केट सारी बंद करा दी गई है. यार 5 दिन वो मार्केट्स बंद रहेंगी, यार दिस इज नॉट फेयर. आगे कारोबार लोगों के बहुत बुरी हालत में और आप मार्केट्स ऊपर से बंद करवा रहे हो, उन दुकानदारों का क्या बनेगा यार, वो तो कहेंगे बाढ़ में जाए मैच. तो डेफिनेटली पंजाब में मैनेजमेंट लेवल्स को अपग्रेड होने की शदीद जरूरत है. अब इस तरह तो नहीं ना कि कोई इवेंट आया तो आप में बिल्कुल ही थरथली मच जाती है और एक कन्फ्यूजन सी फैल जाती है और आप सड़कें बंद करना शुरू कर देते हैं, आम आवाम को तकलीफ पहुंचना शुरू हो जाती है. यार ये बहुत बुरी बात है. पाकिस्तान क्रिकेट की सपोर्ट में आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और जो सबसे बेस्ट कमेंट होगा, जिसके सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में फीचर करें. पाकिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो घंटी का बटन भी दबा लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएं. तो मिलते हैं अभी कुछ देर में कजाफी स्टेडियम 6 बजे. अपने अपने बाजे और सीटियां लाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि यार हमने शोर भी तो मचाना है और पूरी दुनिया को हमने बताना है कि वी आर द क्रेजिएस्ट क्राउड इन द वर्ल्ड.